अर्यों, अर्यों, परनाम। जिन लोगों को कब्ज है जिनका पेट अपने आप साफ नहीं होता उनको इसके बारे में समझना पड़ेगा जब आप हमारे इस पूरी विधि को अपनाएंगे इसको अपनाने से अगर आपको नजला जुकाम उल्टी दस्त बुखार आता है तो नजला जुकाम बुखार को बिना दवाई के ठीक करना है और वो एक दो दिन में ही ठीक हो जाता है उस समय नजला जुकाम बुखार होने का कारण कब्ज होता है उस समय इसको सुबह शाम दो टाइम इस्तेमाल करना ही पड़ता है इसलिए ये प्रत्येक व्यक्ति को इसके प्रयोग करने की विधि को समझना पड़ेगा और ये हर व्यक्ति को अपने पास रखना पड़ेगा एक परिवार में एक ही सेट काफी है अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग जरूरत नहीं इसको हम कैसे प्रयोग करें हम पहले टॉयलेट में जाएं, बैठे जोर नहीं लगाएं। अपने आप पेट साफ हो जाए तो इसकी जरूरत नहीं पेट साफ नहीं हुआ है तो फिर इसको हाथ लगाने से पहले ये जाने कि कल मेरे से क्या गलती हुई खाने पीने में जो पेट अपने आप साफ नहीं हो रहा आज इसकी जरूरत पड़ रही है और आज मैं उस गलती को सुधार लूंगा इस संकल्प के साथ इसको प्रयोग करें मतलब मजबूरी में इसको प्रयोग करें अगर आप नहीं करेंगे तो और गलत हो जाएगा वो गंदगी अंदर सड़ेगी अगर आप इसको आदत बना लेंगे कि रोज गलतियां करो रोज इसको इस्तेमाल करते रहो तो भी गलत हो जाएगा ये मान लें कि कुछ गलती हुई है इसलिए इसको आज ले रहा हूँ कल नहीं लूँगा लेकिन कल फिर टॉयलेट में जाएं बैठें पेट साफ़ हो जाए तो ठीक ना पड़े तो फिर इसी संकल्प के साथ इसको लें ऐसे लेते लेते एक दिन ऐसा आएगा कि अपने आप पेट साफ़ होना शुरू हो जाएगा इसकी आदत छूट जाएगी अगर आप कब्ज़ को तोड़ने के लिए कोई और नुस्खा अपना रहे हैं चाहे वो कोई भी हो वो आपकी कब्ज को दिन प्रतिदिन बढ़ाता है उसको ठीक नहीं करता फिर आपको उससे भी मात्रा ज़्यादा लेनी पड़ती है उस चीज़ की जो भी आप प्रयोग कर रहे हैं या आपको उससे भी ज़्यादा स्ट्रोंग लेनी पड़ती है डोज, इसलिए इसकी आदत नहीं पड़ती और वो इस चीज़ें जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो सेहत के लिए अच्छी नहीं है टॉयलेट से बाहर आने के बाद आपने पेट साफ नहीं हुआ है अब इसको इस्तेमाल करना है इसके अंदर इसके सिरे पे एक सुराख है इस सुराख के अंदर कोई रस्सी बांध के हुक पे टांग लीजिए जो भी आपकी नॉर्मल घर में हुक होती है कपड़े टांगने के लिए और उसको इस तरीके से लटका लीजिए कि ये नीचे ज़मीन को स्पर्श करे ये रबड़ कैथेटर जो बहुत सॉफ्ट है कोई जख्म वगैरह नहीं करती है इसको नीचे जमीन को स्पर्श करें और इसके अंदर पानी भर लीजिए एक ग्लास फिर इस टूटी को खोल दीजिए पानी आगे तक आ जाएगा जैसे डॉक्टर ग्लूकोस लगाते समय एयर निकाल देते हैं ऐसे एयर निकाल के इसको टूटी को बंद कर दीजिए बंद करने के बाद ये निश्चित कर लें कुछ पानी वेस्ट हो गया है ये निश्चित कर लें कि इसके अंदर आधा ग्लास पानी हो उसके बाद आप ज़मीन पे लेट जाएं, बाई करवट लेट जाएं, या कमर के बल लेट के टांगों को ऊपर उठा लें गोदा पे थोड़ा तेल लगा सकते हैं इस कैथीटर के ऊपर भी तेल लगा सकते हैं इसका एक इंच भाग अंदर ले जाएं, एनस में गुदा द्वार में और इस टूटी को खोल दीजिए इस टूटी को खोलने से ये गिलास में जो आधा ग्लास पानी है ये गुदा द्वार में अंदर चला जाएगा ये पाइप ट्रांसपेरेंट है जब गिलास में पानी खत्म हो जाएगा इसको देखने से पता चल जाएगा कि पानी खत्म हो चुका है फिर इस टोटी को बंद कर दीजिए बंद करके इस कैथीटर को बाहर निकाल दीजिए अब आधा गिलास पानी पेट में बड़ी आंत में गया हाथ के ऊपर पानी लगा के हाथ को गिल्ला करके पेट को क्लॉकवाइज थोड़ा दो तीन मिनट के लिए हल्के हाथ से मालिश करें जोर से नहीं आप वहां लेटे रह सकते हैं आप थोड़ा चल फिर सकते हैं आप कोई थोड़ा बहुत काम कर सकते हैं पांच दस पंद्रह मिनट तक पानी अंदर रुकना जरूरी है कम से कम पांच मिनट उस ज़्यादा से ज़्यादा 10 10-15 मिनट के अंदर अंदर आपको इशारा होगा और पेट साफ हो जाएगा तसल्ली से अगर पानी ना रुके तो इसकी मात्रा को कम कर दीजिए इसका मतलब हमारी आंतों के अंदर पानी को रोकने की शक्ति नहीं पानी ज़्यादा बढ़ाने से बढ़िया से सफाई हो जाएगी ऐसा नहीं पानी का अंदर 10 मिनट रुकना जरूरी है ताकि मल जो जमा हुआ है वो घुल जाए भले आप घटते घटते 50 ग्राम तक पानी को लेके जाएं अंदर अगर पानी रुक जाए तो थोड़ा बढ़ा सकते हैं अगली दफा इस तरीके से आप अपने लिए मात्रा को एडजस्ट कर लीजिए पानी की इस विधि के द्वारा आप पेट साफ कीजिए इसको लेट के भी लेते हैं कमर के बल बाई करबट भी लेते हैं कुछ लोग बाथरूम में खड़े होके आगे झुक के ले लेते हैं किसी भी तरीके से ले लीजिए अपने इस पुस्तक के अंदर अलग अलग पोस्चर दिखाए हुए हैं आप सभी पोस्चर इस्तेमाल करके देख लें जो आपके लिए सुविधाजनक पड़े उस पोस्टर के माध्यम से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं इसका प्रयोग छोटे बच्चों को के लिए भी हो सकता है नज़ला ज़ुकाम उल्टी दस्त बखार के समय सुबह शाम दो टाइम करना ही पड़ेगा बाकी के दिनों में अगर कब्ज है पेट साफ नहीं हुआ है तो इसको जरूर कीजिए अगर कब्ज है तो कब्ज हमारी अधिकतर बीमारियों का मूल कारण है कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि ये गंदा काम है या मुश्किल काम है मुश्किल नहीं एक दफ़ा इस्तेमाल करके देखें गंदा नहीं सुबह सुबह अगर पेट साफ हो जाएगा वो वो गंदा काम है अगर पेट साफ नहीं हुआ वही गंदगी जो पखाने के द्वारा बाहर निकलनी चाहिए दिन भर पसीने के द्वारा बाहर निकलती रहेगी और दुर्गंध आती रहेगी पसीने में से तो वो काम ज्यादा गंदा है गंदगी को साथ लेके घूमना लेकिन मैं दोबारा फिर दोहराना चाहूंगा कि इसको आदत नहीं बनाना है अपनी आदतों को सुधारना है और इसको मजबूरी में लेना है वो सब मैं आपको आगे चल के आदतें कैसी होनी चाहिए वो हम आगे के दिनों में चर्चा करेंगे सुबह पेट साफ हो गया अपने आप हो जाए तो बहुत बढ़िया उसके बाद सीधे पार्क जाएं या जा छत पे जाएं या जा खुली हवा में जाएं प्राणायाम कीजिए साधारण प्राणायाम जो सभी व्यक्ति कर सकते हैं रोगी से रोगी व्यक्ति कर सकते हैं किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं है उसको करने की विधि कल आपको बताई जा चुकी है वो वाला प्राणायाम कर लीजिए योगासन भी कर सकते हैं लेकिन हम टीवी पे देख देख के कुछ योगी लोग योगिक क्रियाएं करते हैं कठिन कठिन आसन कठिन कठिन प्राणायाम कर कर के हमें दिखाते हैं उनकी नकल करके हम भी करने लग जाते हैं हम योगी नहीं है, हम हैं हम गृहस्थी हैं हम ब्रह्मचार्य का पालन नहीं करते हम गृहस्थी हैं हम हिमालय की गुफाओं में नहीं रहते दिल्ली जैसे शहरों में बैंक बैलेंस के साथ रहते हैं हमारे शरीर के अंदर यौगिक क्रियाएं करने की शक्ति नहीं है जबर जो जोर जब जबरदस्ती से जब कोई भी यौगिक क्रिया की जाती है उसका फायदे की जगह नुकसान होने का डर रहता है इसलिए कोई भी प्राणायाम कोई भी योगासन जोर जबरदस्ती से अपनी शक्ति से अतिरिक्त नहीं करना योग आसन का विरोधी नहीं हूं लेकिन करें जितना आप बड़े आराम से कर सकते हैं आपके शरीर के अंग के साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए मॉर्निंग वॉक करें सैर करें तेज चलें, ब्रिस्क वॉक करें कितना तेज चलूं, किसी दूसरे की नकल नहीं करनी कितने किलोमीटर सैर अच्छी होती है कोई फार्मूला नहीं चलते समय जब हल्की सी थकान आ जाए तो छोड़ दीजिए आपके लिए बस इतनी ही ये सारा कुछ करने के बाद जब आप घर जाएं, अगर घर जाके आलस आता है दोबारा से सोने को मन करता है तो समझ लीजिए पार्क के अंदर एक्सरसाइज की ओवर ईटिंग हो गई अगर ताजगी है फ्रेशनेस है तो आपने जो भी किया है वो ठीक किया है सुबह सुबह का एक और काम सन बात सूर्य स्नान अग्नि तत्व को लेने के लिए सूर्य स्नान करना है सुबह सुबह जब सूर्य की कच्ची धूप होती है कच्ची धूप वो होती है जिस धूप के अंदर रोशनी होती है गर्मी नहीं होती जिस धूप को शरीर पे लगाने के बाद चमड़ी जलती नहीं है कपड़ों को उतार के अगर कोई प्राइवेट जगह हो पूरे शरीर के ऊपर धूप को लगने दें अगर धूप थोड़ी तेज हो तो सिर को ढक के रखें धूप लगाते लगाते अगर शरीर गर्म हो जाए तो धूप को छोड़ दीजिए सन बात लेते लेते अगर अंदर के भागों में पसीना आ जाए तो धूप को छोड़ दीजिए शाम के वक्त भी सन बाथ धूप स्नान लिया जा सकता है धूप स्नान लीजिए जैसे हमारी रसोई के अंदर अगर कुछ अनाज वगैरह खराब हो जाए हम उसको धूप दिखा देते हैं धूप दिखाने से वायु दिखवाने से पदार्थों की शुद्धि हो जाती है कपड़े साफ़ हो जाते हैं इसी तरीके से हमारे शरीर के अंदर अगर किसी को शुगर है वो दीमक की तरह खा रही है उसके शरीर को धूप दिखा दीजिए शरीर को धूप में डालने के बाद शरीर की शुद्धि हो जाती है अगर आप ठीक से धूप स्नान लेंगे आप देखेंगे अधिकतर लोगों को धूप स्नान करने के बाद पेशाब पीला आता है मतलब धूप के द्वारा काफी गंदगी को पेशाब के माध्यम से बाहर निकालने का प्रयास किया गया है सुबह सुबह धूप स्नान लीजिए सन बात अगर किसी के घर में ऐसी कोई जगह ही ना हो तो सूती कपड़े कॉटन के कपड़े हल्के रंग के सफेद रंग के पहन के पार्क में आके सूर्य स्नान या वायु स्नान का सूती कपड़ों के द्वारा लाभ लिया जा सकता है प्लिस्टर के कपड़ों से ये लाभ नहीं मिलता है उसके आगे आता है वायु स्नान सूर्य स्नान वायु स्नान अभी तक हम जानते थे कि स्नान तो एक ही तरह का होता है जो हम पाँच मिनट में बाथरूम से नहा के आ जाते हैं चार तरह का स्नान हम आपको बताएंगे सामान्य स्नान सूर्य स्नान और तीसरा है वायु स्नान वायु स्नान जब हम कपड़े उतार के वायु चल रही होती है और हमारे शरीर को स्पर्श करके जाती है और हमें मालूम पड़ता है कि वायु चल रही है उसको कहते हैं वायु स्नान अगर कोई घर में प्राइवेट जगह ना हो तो गर्मी के दिनों में कपड़े उतार के पांच मिनट के लिए पंखा चला के अपने कमरे में ही ले लीजिए हमारे घरों में छोटे छोटे बच्चे हैं उनको बिना कपड़ों के ही खेलने दीजिए वो वाजू स्नान लेंगे धूप स्नान लेंगे उनकी चमड़ी अच्छी होगी उनकी हड्डियाँ मजबूत होंगी उनका हाजमा अच्छा होगा पहले के दिनों में ऐसा होता था बच्चे अक्सर बिना कपड़ों के खेलते थे आजकल हम पैसे वाले हैं हमारा स्टैंडर्ड डाउन हो जाएगा छोटे बच्चे को अगर हम कपड़े पहनाते हैं वो रोता है बच्चा कहना चाहता है मैं वायु स्नान ले रहा हूं मेरे को क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो वायु स्नान लीजिए सूर्य स्नान लिया वायु स्नान लिया प्राणायाम किया थोड़ा एक्सरसाइज किया ये सब करने के बाद सुबह सुबह समय होता है लगभग आठ बजे का जहां से जाने के बाद आठ बजे के आसपास हमारा कुछ लेने का मन होता है तो सुबह सुबह सफेद पेठे का रस लीजिए ये छोटा पेठा है बड़ा पेठा भी आता है मार्केट में पेठे का रस क्यों लेना है पेठे के रस में वजन को कम करने की फॉरन मैटर गंदगी को बाहर निकालने की कोलेस्ट्रॉल लेवल को नॉर्मल करने की शुगर नॉर्मल यूरिक एसिड नॉर्मल हाई ब्लड प्रेशर नॉर्मल चमड़ी रोग ठीक हो जाते हैं कब्ज टूट जाता है हाजमा अच्छा होता है समस्त रोगों के लिए रामबान औषधि असीम शक्ति है इसमें बहुत सारे पोषण तत्वों से भरपूर है हम कोई अपनी दवाई नहीं बेच रहे कोई ब्रांडेड प्रोडक्ट नहीं बेच रहे कि किसी किस्म की आपको शंका हो जाए जितने पदार्थों को लेने के लिए बताऊंगा वो हमारी भारतीय संस्कृति में कहीं ना कहीं पूजा पद्धतियों में शामिल की गई है पूरे भारत में मेरे प्रोग्राम होते हैं जब हम दक्षिण भारत में ये प्रोग्राम करने के लिए जाते हैं वहाँ जाके हमें मालूम पड़ा कि इस पेठे को पूजा में इस्तेमाल किया जाता है कुछ राज्यों के अंदर इसको बलि देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है मतलब क्या ये सेहत के लिए अच्छा है जो जो चीजें सेहत के लिए अच्छी हैं, वो हमारी भारतीय संस्कृति में पूजा में डाल दी गई ताकि वो उन चीजों को हम भूल ना जाएं। अधिक जानकारी के लिए हमारे पुस्तकों इत्यादि का अध्ययन करें एवं परामर्श हेतु प्रत्येक रविवार प्रातः सात बजे से दस बजे तक हमारी निशुल्क कक्षा में भाग लें निःशुल्क शिविरों के आयोजन करवाने हेतु एवं अन्य सामग्री पेट की पट्टी डीवीडी एम पी थ्री एनिमा स्पाइनल करें हमारा पता है नेचुरल लाइफ स्टाइल एच थर्टी टू ऑब्लेक् ट्वेंटी टू सेक्टर थ्री रोहिणी नियर विश्राम चौक दिल्ली वन वन जीरो जीरो एट फाइव हमारे फोन नंबर है जीरो डबल वन टू सेवन फाइव वन